उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों पर पुलिस का दबदबा बरकरार है। जहां पुलिस द्वारा बदमाशों की लगातार मुठभेड़ के दौरान धरपकड़ जारी है, वहीं एक बार फिर मुजफ्फरनगर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश विकास को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहना का है, जहां पर 50,000 के इनामी बदमाश विकास के होने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें अपने आप को घिरता देख विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास गोली लगने से मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक दरोगा विनय शर्मा और एक सिपाही अमित भी गोली लगने से घायल हुए हैं। वहीं नए बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल और 1 पल्सर बाइक बरामद हुई है, जिसमें इसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। SSP आनंदेव तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मेरठ में 24 जनवरी को एक लो मर्शक कांड हुआ था, जिसका CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ, जिसमें डबल मर्डर हुआ था, जिसके बाद विकास पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। देखिए, एक लो मर्शक हत्याकांड दिन दहाड़े थाना प्रतापपुर जनपद मेरठ में 24 जनवरी को दोपहर में हुआ था, जिसका कि CCTV फुटेज के आधार पर मीडिया को जो प्राप्त हुआ था, मीडिया ने इसको बहुत बड़ा नेशनल कवरेज दिया था और इस पर डबल मर्डर हुआ था। उसके पहले उन हत्यारों ने उसके बेटे की हत्या की थी। उस घटना के पश्चात अपराधियों पर 50,000 रुपये का पुरस्कार आली रेंज द्वारा घोषित किया गया था। उस पर आज सूचना दोपहर में SOC जला को ये मिली कि उस घटना से संबंधित कुछ बदमाश इस तरफ कोई वारदात करने के लिए आने वाले हैं। इस सूचना पर ये लोग लगे हुए थे, इन्होंने जब इंटरसेप्ट किया तो वो बदमाश फायर करके भागे और फिर इन्होंने एडवांस टीम को यहाँ पर साथ में लिया और ये जहाँ पर आप खड़े हुए हैं यहीं पर के आसपास बदमाशों से एक्सचेंज ऑफ फायर में आज प्रचार किए गए फायर में पुलिस की बदमाशों को गोली लगी और बदमाशों की गोली पुलिस के SI और कांस्टेबल को लगी। सबको अस्पताल भेजा गया, जहां पर इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। हेलो।